दोस्तों साल 1993 में आए फिल्म दामिनी तो आप सभी ने देखी होगी, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही है, जिसमें फिल्म की कहानी ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया था और काफी तारीफें बटोरी थी। तो वहीं दूसरी तरफ इसके सभी कलाकारों ने इस फिल्म को पर्दे पर यादगार बनाया था, जिसमें सबसे आगे नाम तो दामिनी के किरदार को निभाने वाली अदाकारा का आता है, जिन्होंने फिल्म में अपने इमोशंस, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी के साथ इस किरदार में जान डाल दी थी। लेकिन दोस्तों इस फिल्म को आए आज 29 साल हो चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं इस फिल्म में दामिनी के किरदार में नजर आई अभिनेत्री आज कहाँ है, क्या करती है और कैसे दिखती है? शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं दामिनी के किरदार में नजर आई अभिनेत्री की आज से रूबरू कराकर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं इनकी आज से, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दामिनी फिल्म में दामिनी के किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम मीनाक्षी शिशाद्रे है, जिनका जन्म 16 नवंबर 1963 को बिहार के सिरधरी में हुआ था, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई यहीं से कम्प्लीट हुई है। बात करें इनके एक्टिंग करियर की तो बता दें इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1983 में आए फिल्म पेंटर बाबू से की थी, पर इन्हें असली पहचान मिली उसी साल आए फिल्म हीरो से, जिसमें उन्होंने राधा के किरदार को निभाया था, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था और यही वजह है कि इस फिल्म से ये रातों रात स्टार बन गई, जिन्हें आगे चलकर कई एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करने के ऑफर्स आए और उन्हीं ऑफर्स को अपनाते हुए इन्होंने गंगा जमुना सरस्वती घातक और घायल जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में की, जिसकी वजह से आज भी ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे मशहूर और यादगार अभिनेत्रियों में शुमार होती है। लेकिन बात करें इनकी आज की तो ये आज अपनी 58 साल की उम्र पार कर चुकी है, जिसकी वजह से जहां इस फिल्म में इन्हें सिंपल साड़ी, मेकअप और लंबे बालों में एक गृहिणी के अंदाज में देखा गया था, तो वहीं आज ये अपनी इस उम्र में पहले से काफी ज्यादा बूढ़ी नजर आने लगी हैं, जिनके चेहरे पर झुर्रियां, डार्क सर्कल्स साफ तौर पर नजर आते हैं। इसके साथ इनके चेहरे पर इस फिल्म में जो ग्लो और निखार नजर आया था वो भी अभी पूरी तरह गायब हो चुका है, जिसकी वजह से ये अब उतनी सुंदर नहीं लगती हैं। पर अब ये पहले से काफी स्टाइलिश जरूर हो चुकी हैं, जो सिंपल साड़ी के साथ साथ काफी मॉडर्न कपड़े कैरी करती है। वहीं बात करें अब इनकी पर्सनल लाइफ की तो आपको बता दें कि फिल्म में काम करने के कुछ सालों बाद ही इन्होंने साल 1995 में हरीश मैसूर से शादी कर अपना घर बसा लिया था, जिसके बाद ये उन्हीं के साथ विदेश चले गई और एक बेटी और एक बेटे की मम्मी भी बनी, जिसकी वजह से इन्होंने लंबे समय से एक्टिंग करियर से दूरी बना रखी है, जिन्हें आखिरी बार 1998 में आए फिल्म स्वामी विवेकानंद में देखा गया था। तो दोस्तों मीनाक्षी शिशाद्रे के बदले हुए अंदाज से रूबरू होकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।